मैं जल्दी जल्दी से अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो टाइम हो गया है रात के 11:15, यस 11:15 का टाइम है। और आप सोच रहे होंगे कि अब नहा क्या है गाइस, क्या करें यार, गर्मी इतनी है, हमारे एसी तो लगा नहीं हुआ, ये देखो पाइप छोड़ी हुई है, एसी नहीं लग रहा है और पंखे से गर्मी बहुत लगती है, कूलर से भी बहुत गर्मी लगती है। तो फिर मैंने कहा यार सर पे पानी डाल के आती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। अभी ये नहीं आए हैं, इनकी वेट कर रही हूँ। आटा मैंने गूंथ लिया है, रोटी नहीं बनाई, जब आएंगे तब गर्म गर्म बनाऊंगी। और मैंने आज बनाया है सूखे आलू, मैंने आप सबके साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर की है जो सूखे आलू बनाए। आज मैंने ना गाइस पकौड़े बनाए थे, इतने यम्मी बने, इतने टेस्टी, पता नहीं यार इतने टेस्टी मुझसे कैसे बन गए, मैं खुद हैरान हूँ यार इतने टेस्टी मुझसे कैसे बन सकते हैं, क्योंकि पकौड़े मैं बहुत कम बनाती हूँ, मुझसे बनते नहीं हैं पकौड़े, मैं ज़्यादातर ना बाहर से मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे बाहर के अच्छे लगते हैं, मेरे हाथ के इतने अच्छे नहीं लगते। पर यार आज तो एकदम झक्कास था, जैसे शादी में होता है ना पार्टी फंक्शंस पे जैसे खाते हैं, तो वैसे बने थे, सच्ची में बहुत मज़ा आया खा के। और ये गले में यार इतना चुभता है ना, चांदी का है, ऐसी फेंका पड़ा है यहाँ पे, और ना मम्मले में कुछ नहीं पहना जाता मुझसे। ये मैंने एक सिंपल सा ब्लैक धागा पहना हुआ है, वो भी मैं झाड़ा करवाया था मैंने, तब का डाला हुआ है, ये गले में ही है, ये भी मुझे ना भारा भारा लगता है, तो बहुत खारिश होती है, मुझसे नहीं पहना जाता। तो चलो गाइस देखते हैं क्या होता है आज, आज का क्या होगा। ये आएंगे अभी, अभी तक नहीं आए हैं, तो बस आएंगे खाना खाएंगे, थक के होते यार। मैं ब्लॉग इसलिए ना रेगुलर नहीं बना सकती क्योंकि इनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं बना सकती, इनकी टाइमिंग इतनी ख़राब हो चुकी, मैं आपको क्या बताऊँ। 11:15 हो गया आप सबके सामने, वो नहीं आया अभी तक, दूसरे को यार टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बुरे हो गए हैं हम दोनों, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। आते हैं खाना खाते हैं सो जाते हैं, उसके बाद सुबह मेरे सोए हुए चले जाते हैं काम पे। तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ दिन इनके साथ जाऊँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, टाइम स्पेंड नहीं हो रहा हमारा एक दूसरे के साथ, पता नहीं क्यों यार। तो काम से भाग गए यार, काम करेंगे तो हम लोग खाएंगे, नहीं तो फिर खाएंगे कैसे, अगर काम नहीं करेंगे, अगर खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, राइट ना। तेरी भी वीडियो बनाऊँ, मेरे काके की है ना, क्या होगा, टेस्टी लगे आपको, ओके आपको टेस्टी लगे, आज तक डैडी नू वधिया नहीं लगे ना, डैडी तली चीज खाते ही नहीं। आटा लगा के मैंने रख दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए, 5 मिनट बाद इसको मुखिया दूंगी मैं। और ये है हमारी यमी यमी सब्जी, आलू की सूखी सब्जी बनाई, आलू टमाटर की, बहुत बढ़िया बनी है गाइस, बहुत टेस्टी। आटा गूंथा है, रोटी बना दी, ठीक है। ये कहाँ का न्याय है, या न्याय है, दोनों है, मेरे को बोला बाद में मैं बना दूंगी, मम्मी ने बोला तो मेरे पे कहते हैं चाय बनाओ, अभी नहीं बोला, पापा जाएंगे तब बना देना, आटा मैंने गूंथ लिया है, नहीं तो मैंने आटा भी नहीं गूंदा था, पर फिर मैंने कहा यार थक जाएगी, इसलिए मैंने आटा गूंथ लिया और अब बना दियो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, की करी जाने, मैं क्या आज तुम दिखाई दी है, किन्ने दिन हो गए यूट्यूब पे तुम आए नहीं, है ना, मेरी यूट्यूब फैमिली मिस कर रही थी तुहानू सच्ची। और की आ देखो जी सवेरे सवेरे चाह बना रहे हैं, मैं क्या फिर तो सिर्फ भज जाना वा, बना लो तुहाडी वीडियो, अखा तो दिखाओ तब बोल दिया नहीं गई मिल गए, हाँ सिलेंडर करा दो, मछली खा लो। कल रात नहीं, परसों रात, क्योंकि मैं वादी पीसी होने दिस मेरा ही कसूर है। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कंटिन्यू करते अपना व्लॉग, और मैंने आज मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने कहा इनको भी अपनी वीडियो में ले लेती हूँ, नहीं तो ये भाग जाते हैं, फिर वीडियो में आते ही नहीं है। तो मैं जस्ट अभी उठी, 5-10 मिनट ही हुए होंगे, तो ये चाय बना रहे थे, फिर मैं ये पी रही हूँ चाय। आ जाओ गाइस, आप भी पी लीजिए चाय। कई लोग कह रहे हैं कच्चे में ले लेती अपने हस्बैंड को फिर क्या हो गया, पहना तो हुआ ना हाँ तो हम पी लेते हैं, हाँ तो अब हम पी लेते हैं चाय, मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ पे चल रही है कटिंग, सूट की कटिंग, मुझे आता है बहुत अच्छे से बनाना, लेकिन क्या है कि मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया है, जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है तब से मैंने नहीं बनाया है, तो आज मैं बहुत टाइम के बाद ये लेके बैठी हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो से पहले दिखाया था कि इस सूट के कर्म जो है बहुत ख़राब हैं, जब भी उठाती हूँ बनाने के लिए या बनवाने के लिए जब भी निकालती हूँ तो मैं वापस रखना पड़ता है मुझे। बट अब की बार मैंने सोचा यार इसको रखना नहीं, अब इसको सिलना है, तो फिर मैंने ये सारा यूट्यूब पे देख के वीडियो
तो दोबारा से अपना जो है ये सूट बनाना शुरू किया। तो गाइज़ आप यकीन मानोगे बहुत अच्छा बना सूट, मज़ा आ गया, मुझे अब ट्रस्ट हो गया कि मैं बना सकती हूँ। वैसे ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, बस एक ठानना होता दिल में कि हमने ये काम करना है तो बस करना ही है। तो ये देखो गाइज मैंने यहाँ पे स्लीव्स बनाई हैं, बहुत प्यारी बनी थी, मैंने पफ स्लीव्स बनाई हैं, बहुत अच्छा लगा ये। तो आप भी देख लो गाइज, दिखा रही हूँ मैं पहना हुआ बनाया हुआ अपने हाथ से सूट। तो मैं काम कर लेती हूँ, मुझे सिलाई भी आती है, मुझे कढ़ाई भी आती है, मुझे जो सिलाइयों से स्वेटर वगैरह बुनना वो भी आता है, सब कुछ आता है। बस है कि अब मैं थोड़ा चैनल करके ना बिज़ी हो गई हूँ, तो घर पे भी ध्यान देना होता है, सारे कामों में ध्यान देना होता है। तो ये मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ अपनी स्लीव्स, देखो कितनी प्यारी बनी है। हेलो गाइस, और शाम का टाइम है, मैं छत पे आई हुई हूँ, नहा धो ली हूँ, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं सूट स्टिच कर रही थी, तो ये वाला सूट स्टिच कर रही थी। गाइस देखो इतने दिनों के बाद बनाया, बड़े दिनों के बाद बनाया, पर फिर भी मेरे से बन गया। इसकी पफ स्लीव्स बनाई है मैंने, डर रही थी पता नहीं बने या ना बने। पहले मैंने क्या किया, इसको न्यूज़पेपर पे कट किया कि बनता सही या नहीं, और आपको मेन बताऊं बात, यूट्यूब पे देख के मैंने बनाया ये वाला सूट, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी इसके साथ कुछ बनाया नहीं मैंने, तो इसके साथ ना मैंने ये वाइट प्लाजो ही पहन लिया, वाइट प्लाजो पहन लिया। गुड़िया तो कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताना गाइस कि कैसा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलो मेरा पास हो गया, और मैंने ये दिखाया था सबको, अभी वीडियो कॉल आने वाले हैं जी। हाँ मैंने इनको बताया, ये मुझे ना बड़ा छेड़ते थे, मैं पहले बहुत सूट बनाती थी, पहले टाइम भी होता था तो मैं बनाती रहती थी। तो पता क्या हुआ, जब भी मैं बनाती थी ना रात हो जाती थी, ये बोलते थे आज बन जाएगा तेरा सूट, आज बन जाएगा, कितना टाइम लगेगा। तो मैंने इनको ना फ़ोन किया कि बन गया सूट, बहुत अच्छा बना है। अभी वीडियो कॉल पे इनको नहीं दिखाया, ये घर पे आके देखेंगे। इतना कंफर्टेबल है ना गाइस, मैंने कॉटन का कितने टाइम से लिया हुआ था, ये कितने टाइम हो गया था मेरे को लिए, पर बना नहीं पा रही थी, अपने आप पे वो नहीं था कि मैं बना सकूंगी, बट मैंने कर लिया। यस, आजा ऋषि आजा। तो मैं जस्ट ऊपर ही आई थी आप सबको दिखाने के लिए, और मैं आपको नया अपडेट दे देती हूँ कि मैं यार ठीक हूँ, खुश हूँ, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दिया, मैं किसी की टेंशन नहीं लूँगी, मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीऊँगी, इन्जॉय करूँगी, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, तो मुझे किसी का डर नहीं है सिवाय भगवान जी के। तो सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। वैसे पसंद आने वाली तो, और ना पसंद आने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है, शायद पसंद आए तो मेक श्योर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल, और कमेंट तो ज़रूर करेंगे। अच्छे अच्छे, तो चलो गाइस मैं चलती हूँ। सूट के बारे में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा सूट, क्या हुआ तेरे को। तो सूट के बारे में आप बता देना मुझे कि कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फेवरेट कलर है, मुझ पर सारे बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में।